नमस्कार हिमाचल अभी अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत सोनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट में 7,900 करोड़ रुपए की वित्तीय योजनाओं की भी घोषणा की है उन्होंने। अब मैं हमारे साथी सुरेश जी से ही जानना चाहूंगा कि बजट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस बार का जो बजट रहा वो बिना टैक्स के रहा। अनिकेत जी, आपकी बात सही है कि कर मुक्त बजट पेश किया गया है जी। दूसरी एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार ने सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की है बजट में। अगर हम ऐसा कहें कि ये स्वर्ण जयंती वर्ष पे बजट पेश किया गया है या इसको हम स्वर्ण जयंती बजट बोलेंगे तो इसमें कोई गलत जी, बात जी। सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है कि कर्मचारियों को जो डिमांड करते आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन की डिमांड काफ़ी लंबे अरसे से वो डिमांड करते आ रहे हैं पुरानी पेंशन की। न्यू पेंशन में जो 22 सितंबर 2017 से पहले ग्रेजुटी जोड़ दी गई है, इसको मैं बड़ी राहत मानता हूँ। अच्छा, कर्मचारियों के लिए जी इसको बड़ी राहत है। हालांकि और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पार्ट टाइम जलवाहकों को भी राहत दी है सरकार ने। तो एक पहलू बजट का अंकेज ये भी है कि ये बजट जो है वो उम्मीद और अवसरों का बजट है। मैं इसके भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उम्मीदें क्या हैं बजट से। जयराम सरकार ने 17 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। ये योजनाएं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी क्षेत्रों से हैं। कुछ महिलाओं के लिए भी इन्होंने कुछ नई घोषणाएं की हैं। महिलाओं के लिए भी, मैं उससे भी आता हूँ पहले। मैं 17 नई घोषणाएं, ठीक है, इसमें छात्रों छात्र जो है उनके लिए भी घोषणाएं की, नई योजनाएं शुरू की हैं। तो काफ़ी हद तक जो अब हम इन योजनाओं से ऐसा कह सकते हैं कि ये उम्मीदों का बजट है। अवसरों की बात करें, हम सरकार ने रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराने का वादा किया है इस बजट में। 20,000 पद जो है वो 2020-21 में भरे जाएंगे, जिसमें शिक्षक आपके IPH में, PWD में, बिजली बोर्ड में, HRTC में, पुलिस में। तो इस लहज से हम इसको अवसरों का बजट भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो रोजगार मेले और कैंपस इंटरव्यू भी सरकार आयोजित करवाएगी। हालांकि 20,000, 25,000, 30,000 को रोजगार देके हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं पे जोर दिया है। अगर आप बजट में देखेंगे तो जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, ठीक है, या वहाँ पे उन्होंने सरकार ने उपदान देने की योजना बनाई है, ठीक है। दूसरा, 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट वोकेशनल या कुछ करना चाहे, ठीक है, ITI अपना पॉलिटेक्निकल वहाँ पे जाना चाहे, तो उसके लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। उस योजना को सरकार ने सुपर 100 नाम दिया है। मैं अभी उसको देख रहा था योजना को। उसमें क्या है कि उसमें जो टॉपर हैं 10th के, 100 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। उनको जो आगे वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ठीक है, 1,00,000 अनुदान दिया जाएगा। तो चलिए अब आप इसमें बजट के अगर मुद्दे पे आता हूँ तो जो कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए जो कुछ आंशिक मानदेय जो बढ़ाया है, क्या ये लोग अभी भी संतुष्ट हो जाएंगे इससे? बजट में मैं पहले भी आपको बताया कि कर्मचारियों को तो वही ग्रेजुटी का जो राहत दी है जी सरकार ने, क्योंकि DA ऑलरेडी जयराम गवर्नमेंट दे चुकी थी 25 जनवरी को। तो DA तो मैंने जैसे पहले भी आपसे चर्चा हुई थी, तो DA तो बड़ा मुश्किल था, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 500 जो हिमाचल गवर्नमेंट का अंशदान है उसमें जी, मिनी कार्यकर्ताओं का 300, सहायिकाओं का 300। अनिकेत जी,
अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के नजरिए से देखें तो ये बढ़ोतरी नाकाफी है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से वो मांग कर रही हैं कि हमें मिनिमम वेज दिया जाए, यानी कि हमारा वेतन 18,000 किया जाए जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ था आंदोलन इसको लेकर काफ़ी लंबा, ठीक है। तो अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो ये बढ़ोतरी नाकाफी है, फिर भी सरकार ने कोशिश की है, प्रयास किया है कि उनको राहत देने के लिए दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाई है, हालांकि उस लिहाजे से देखा जाए तो भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, मैं वही बात कर रहा था, मैं पहले भी आपसे यही बात कर रहा था कि स्वर्ण जयंती बारिश है, ठीक है सर, मतलब जयराम ने बजट पेश किया अपना तीसरा, कुछ ना कुछ हर तबके को देने की कोशिश की है, बुजुर्गों को भी राहत दी है, 50,000 बुजुर्गों को जो मामले लंबित पड़े थे, जो जिन्होंने आवेदन किया हुआ है पेंशन के लिए, उनके लिए मतलब वो एक्स्ट्रा 50,000 को पेंशन देने का प्रावधान गवर्नमेंट करेगी, यदि 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री दवाइयाँ सरकार मुहैया कराएगी, ये भी अच्छा एक सरकार का निर्णय माना जा सकता है। महिलाओं के लिए भी कुछ योजनाएं सरकार ने शुरू की है, जो एनसीसी के जितने भी हमारे जो कैडेट्स हैं उनको ये कहा है कि वो अर्धसैनिक बलों में पुलिस बलों में उनको जो ABC जो सर्टिफिकेट होता है उसका कम से कम अब एक मान मिलेगा और उनको भर्ती में भी उसका काफी लाभ मिलेगा, एक अच्छा रहा है करें। बिल्कुल सरकार का ये निर्णय भी अच्छा है, क्योंकि हिमाचल से काफी युवा जो वो सेना सैनिक बलों और आर्मी में मतलब जाते हैं, लेकिन एक चीज ये पता है सूर्य जी की धर्मशाला में सरकार ने ये कहा है कि होटल मैनेजमेंट का भी हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, जो कि युवाओं के लिए शायद फायदेमंद रहेगी जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो क्योंकि पालमपुर में भी एक ऑलरेडी पहले चल रहा है। मैं अनिकेत जी अगर मैं अपने मेरे आप से बोलूं तो ये खाना पूर्ति है कि धर्मशाला को भी बजट में कुछ दिया गया। प्रदेश सरकार ने जो हींग और केसर की खेती को लेकर जो बयान जारी किया है उस बारे में मैं सब इतना कहना चाहूंगा कि केसर के लिए आप भी अस्त्र जानते हैं कि जम्मू कश्मीर काफी चर्चित है, सबसे ज्यादा केसर वहीं पर पैदा होती है, लेकिन अब जयराम सरकार ने यह कहा है कि प्रदेश के अंदर भी देवभूमि के अंदर भी हींग और केसर की खेती की जाएगी, तो इस बारे में हमारे साथी सुरेश जी से मैं जानना चाहूंगा, सुरेश जी आपके क्या विचार है इस बारे में? अनिकेत जी, हिमाचल कृषि प्रधान प्रदेश है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है हिमाचल में। आज की डेट में भी सरकार भी इस बात को मानती है कि जो उसमें कृषि क्षेत्र में जो करना हमें चाहिए था वो नहीं हो पाया है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल में स्थापित है, नौणी हॉर्टिकल्चर सोलन में, IHBT पालमपुर में स्थापित है। कुछ वर्षों से हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो बंदरों की समस्या है, और उस चुनौती को पार करने के लिए सरकार भी और वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं कि उस कैसे, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे किसान खेती छोड़ चुके हैं। मक्की की बिजाई आप अगर आंकड़े देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि मक्की की बिजाई 60-70% कम हो गई। बिल्कुल ये सही, आपने सही कहा कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर बंदरों का आतंक है, उसी प्रकार से जो हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां पर भी आवारा जानवरों का बहुत ज्यादा आतंक सरा है, और यही वजह रही कि किसानों ने वहां पर भी खेती से मुंह मोड़ लिया है। अब सरकार और वैज्ञानिकों का बस एक ही है कि ऐसी कोई खेती यहाँ पे विकसित की जाए जिनको कि पशु बंदर वगैरह नुकसान ना पहुँचाए और किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े, इसी का प्रयास है। हींग और केसर की आप बात कर रहे हैं, ये हींग जो है वो लाहौल स्पीति के एरिए में वहाँ पे लगाया गया है, इसकी जो अभी इसकी खेती अभी इसका ट्रायल चला हुआ है, हींग का ट्रायल चला, हाँ हींग और केसर दोनों का, ठीक है। हींग केसर ठीक आपने बात बोली कि JNK में इसकी पैदावार होती है और काफ़ी महंगा बिकता है JNK में, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें
हींग और केसर, अगर ये प्रयास सरकार के सफल होते हैं हिमाचल में तो काफी हद तक आर्थिक किसानों की आमदनी में सुधार होगा होगा। और इसके लिए जो सरकार ने एक योजना शुरू करने का फैसला लिया है, कृषि से समानता योजना KSY, तो ये विशेषकर इसी लिए लिया हुआ है कि हींग और केसर की खेती को हिमाचल में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि किसानों को जो है वो कम मेहनत में अच्छी आमदनी मिल अच्छा। सके। अब हम हमारे अन्य साथियों से ये जानना चाहेंगे कि बजट के बारे में उनकी और क्या राय है। जी सर, बजट में जैसे कि सरकार ने हॉस्पिटल्स में महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं महिलाएं, उनके लिए मशीनें उपलब्ध करवाने की बात कही है। तो क्या महिलाओं को मशीन उपलब्ध होगी, ये सरकारी अस्पतालों को मशीन उपलब्ध होगी? सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए जो अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर है उनके इलाज के लिए मशीनें जो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि एक तो पहले तो हिमाचल में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ने लगे हैं और इलाज जैसा कि बाहरी राज्यों में जाके इलाज करवाना पड़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर शुरुआती दौर में इलाज पता चल जाए और इलाज हो जाए तो जो बीमारी है वो जड़ से मिटाई जा सकती है। तो अगर ये मशीनें हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हो जाती हैं जल्द से जल्द, तो महिलाओं को इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ। ठीक है, ठीक है आपने। साथ ही सरकार ने इस बार बजट में जो घोषणा की वो भी एक अहम घोषणा और शामिल की है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी योजना है। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के सबसे चर्चित अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अभी एक हाल ही में कुछ समय पहले फिल्म लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने खुद ने अपनी एक्टिंग भी की है और उन्होंने के मार्गदर्शन में बनी हुई फिल्म है, कि वो मासिक धर्म जो पैड जो करती हैं महिलाएं या जो हमारी युवतियाँ जो करती हैं, उनको जो ज्ञान या जागरूकता के लेके जो फिल्म बनाई गई थी उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, और इसी सब्जेक्ट को लेके सरकार ने भी इसको अपने बजट में शामिल किया है। इस विषय में मैं जानना चाहूँगा हमारी साथी रश्मि शर्मा जी से, इसमें क्या है सरकार का प्लान इसको लेकर? सरकार ने मासिक धर्म को लेकर जागरूकता कार्यक्रम वो दिन जो शुरू करने का अभियान लिया है, इससे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने मासिक धर्म को लेकर जागरूकता कार्यक्रम वो दिन को शुरू करने का जो निर्णय लिया है, इससे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में मासिक धर्म के समय माताओं तथा बहनों को समाज तथा परिवार की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, इसके लिए ज़रूरी है समाज को जागरूक करना, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इससे उन्हें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अगर ये अभियान लोगों तक सही ढंग से पहुंचता है तो लोगों का नज़रिया बदल सकता है। ठीक है रश्मि, धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि इस सरकार की जो योजना शुरू होती है लोगों की सोच बदलेगी, और सोच बदलना बहुत अहम जरूरी है यहाँ पर। सुरेश जी, मैं आपको फिर दोबारा से डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि जो सरकार की जो योजना है मासिक धर्म की जागरूकता अभियान को लेके, उसके बारे में क्या कहना है? जी देखिए जी, CM जयराम ठाकुर ने बजट में वो अभियान चलाने की घोषणा की है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक सरकार की ये जो निर्णय है ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज भी अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के गांव की बात करें खास करके, वहाँ पे जब उस जिस दौर से महिलाएं गुजरती हैं उस टाइम पे, जी एक तो पीड़ादायक वक्त हम उसको मान सकते हैं, दूसरा महिलाओं के साथ जो महिलाओं की उपेक्षा होती है, जो महिलाओं के साथ होता है, हमने बचपन से ही देखा है ऐसा। हालांकि जैसे जैसे अब वक्त बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं हिमाचल में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इन दिनों महिलाएं रसोई के अंदर भी नहीं प्रवेश नहीं करती, नहीं कर पाती, ये खाना नहीं बनाती। बिल्कुल, ये सोच बदलना बड़ी ज़रूरी है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। अगर ये अभियान कामयाब होता है तो काफ़ी हद तक लोगों की मासिक धर्म के टाइम जो है महिलाओं के प्रति सोच बदलेगी, और एक अच्छा निर्णय मैं इसको मान सकता हूँ। जयराम सरकार ने अपने बजट में शिक्षा को भी शामिल किया है कि शिक्षा के क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या नई योजनाएं बन सकती हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को मदद मिले आगे बढ़ने के लिए, कुछ शिक्षा हासिल करने के लिए। और इस विषय पर शिक्षा के मामले में हमारे साथी शांतनु जी से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, सरकार ने आज जो बजट पेश किया है। प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने 16% जो है
शिक्षा पे खर्च करने की बात कही है बजट का 16%, तो एक हिसाब से ये काफी अच्छा परसेंटेज है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो जयराम सरकार ने 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की जो घोषणा की है, एक तरह से आज के समय में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जो युवा हैं प्रदेश के बाहर चले जा रहे हैं जी। तो ये जिस तरह से विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बना दिया जा रहा है, ये उसी तरह से हो रहा है कि जैसे एक कोई रेलवे के जनरल डिब्बे को सुपर फास्ट की गाड़ी में लगा दिया जाए या जनरल गाड़ी को सुपर फास्ट लिख दिया जाए उसके आगे, ये उस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से 16% लगा दिया गया है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे इस बारे में अच्छे से विस्तृत तौर पे बताया नहीं गया है बजट में कि आप शिक्षा के किस क्षेत्र में, जैसे कि कई सारे आयाम होते हैं शिक्षा में, कुछ नई सारी चीजें आती हैं, कोर्स नए आते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी सरकार को एक तरह से पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए थी उसके बाद बजट में। और दूसरी बात, मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य के बारे में हमारे बजट का जो है 5.5% हमारे बजट में, हिमाचल प्रदेश के बजट में कहा गया कि 5.5% सरकार खर्च करेगी। तो आज के समय में जिस हिसाब से देश की जो स्थिति है, जो दुनिया की स्थिति है, जिस तरह से नए नए वायरसेस आज के समय में हिमाचल में भी कुछ कोरोना वायरस के संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, और यहाँ पे जिस हिसाब से विदेशी सैलानी आते हैं और बाहरी लोगों की तादाद अधिक रहती है, तो उस तरह से इन सारी चीजों के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर और अधिक इस हिसाब से खर्च करना चाहिए था। जो 5.5% काफी छोटा एक अनुपात है जो कि मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम केंद्रीय बजट की भी बात करें तो केंद्रीय बजट में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किए गए थे और 70,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे खर्च किए गए थे, तो उसके बीच का जो अंतर था वो सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का था। बल्कि अगर हिमाचल के बजट की हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर हम मिला करके देखेंगे तो उसमें अगर हम प्रतिशत का ही अंतर ले लेते हैं तो करीब 9.5% का अंतर आता है, जो कि काफी बड़ा है। और शिक्षा की जैसे बात अभी आपने कही और सर ने भी, अभी सुरेश सर ने बताया कि 10वीं टॉपर्स के लिए एक योजना शुरू की गई है कि 100 टॉपर्स को हम 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम की तरह का कुछ देंगे जो प्रदेश के 100 टॉपर्स होंगे। तो ये एक तरह से हतोत्साहित करने वाला मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके प्रदेश के 2,00,000 बच्चे 2 दिन पहले परीक्षा में बैठ रहे हैं और आप सिर्फ 100 बच्चों के बारे में इस तरह से उत्थान करना सही है, लेकिन उत्थान यही जो होता है यही बाद में गैप बन जाता है लोगों के बीच का। तो सरकार को हर तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हो रहा है जैसे सांत्वना पुरस्कार नाम की भी एक चीज होती है, तो इस तरह का भी कुछ सरकार को प्रयास करना चाहिए। अब ये सरकार का एक तरह से ये है कि आधे से अधिक समय निकल चुका है, तो ये जो घोषणा आज जो की गई है बजट में, क्या आने वाले समय में इसका कुछ सरकार को फायदा मिलेगा? हाँ, तो एक हिसाब से सरकार का बीच का समय चल रहा है, तो ये ना आगे में है ना सरकार पीछे में है, तो इस समय बीच में जैसा कि अभी सरकार को किसी तरह का चुनावी फायदा भी नहीं लेना है, राज्य का भी जो विधानसभा चुनाव होना है वो लगभग 2.5 साल के बाद होगा, केंद्रीय चुनाव भी अब 2024 में होंगे, तो सरकार ने कुछ ऐसा प्रलोभन की तरह का चीज नहीं दिया है कि लोग आकर्षित हों, लेकिन सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रख करके सबके लिए बजट में पैसे खर्च करने का प्रावधान किया है। बजट को लेकर अब हम जानना चाहेंगे हमारी साथी पल्लवी शर्मा से कि उनके क्या विचार हैं। पल्लवी जी, आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? देखिए सर, सीएम जयराम ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट में उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, खासकर महिलाओं का। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाहे वो सिलाई अध्यापिकाएं हों, अनुबंध कर्मचारी हों, हर वर्ग का उन्होंने अपने इस बजट में ख्याल रखा है। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी एक बात पर, हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर बजट पर चर्चा की है, लेकिन आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगी सर नशे पर। नशा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, नशे को सर हिमाचल से दूर करने के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी जो सरकार की एक नई पहल है उसके तहत सर जो पंचायत तंबाकू मुक्त होगी उसको सर 5,00,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से सर ये बजट में ये जो पहल की है सरकार ने, जयराम सरकार ने सर, बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि ये कारगर साबित होगा सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इससे शायद हमारे युवाओं को भी और पंचायतों को भी एक बहुत अच्छी मदद मिलेगी। फिर दोबारा बहुत जल्द आपसे एक नए विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे, तब तक नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।